डेटा ही सिर्फ बढ़ाना नहीं है बल्कि रिकवरीज भी करनी है, और रिकवरीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ठोस कदम उठाए। जो पॉजिटिव लोग आते हैं, जो आरटीपीसीआर में भी आते हैं, जो रैपिड एक्शन टेस्ट में भी आते हैं, उनको इस तरीके से आइसोलेट किया जाना चाहिए ताकि कोविड 19 के मजीद फैलाव को रोका जा सके। टाइम्स में आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में आए रोज़ कोविड 19 के नए केसेस सामने आ रहे हैं, और गवर्नमेंट अपनी जानिब से कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिससे ये मुमकिन हो सके कि कोविड 19 के केसेस में कमी आ सके, और हेल्थ जो ब्लॉक्स हैं, वहाँ की जो वैन्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो जगह जगह पर पहुँच कर जिस इलाका में भीड़ है वहाँ जाकर कोविड के टेस्ट कर रही है, और उस टेस्ट की बिना पर जो है उन्हें जहां आइसोलेट करना चाहिए था उसको लेकर कुछ मामला सामने आ रहा है। हम इस वक्त बस स्टैंड मंडी में हैं, सोमो स्टैंड मंडी में मौजूद हैं, और यहां के कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो कोविड के आरएटी टेस्ट किए जाते हैं उन टेस्ट में जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, मामला ये है। हमारे साथ इस वक्त सोमो स्टैंड में एक दुकान करने वाले जहांगीर अहमद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपका खैर मकदम है, क्या मामला है? जिस तरीके से आप कह रहे थे कि यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं और वो लोग पॉजिटिव आते हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं जो लोग पॉजिटिव आते हैं उन्हें क्या आइसोलेशन का क्या सिलसिला जो है वो रखा गया है? देखिए, यहाँ पर जिस तरफ से गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया है कोविड टेस्ट का, वो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन उसी के साथ साथ ये है कि जिसको यहाँ पर टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव किया जाता है उसको ये कहा जाता है कि आप चलिए, आप जाइए अपने घर। वो यहाँ से निकल के अपने घर जाता है, वो अपनी फैमिली से मिलता है, अपने मोहल्ले वालों से मिलता है, वो कह नहीं सकता मैं पॉजिटिव हूँ। उससे आए रोज़ केसेस बढ़ते हैं, न कि कम होते हैं। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए था जो एक इंसान पॉजिटिव निकलता है उसको यहाँ से आइसोलेशन किया जाए कहीं पे, जब तक उसको मेडिसिन दे के नेगेटिव किया जाए, फिर उसको फैमिली में भेजा जाए। उसको कहा जाता है आप निकलिए घर, वो गाँव में हर एक से मिलता, उससे केसेस बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं ये अच्छा स्टेप है, लेकिन एक तरफ से जो ये केसेस बढ़ते हैं, ये कोई इसमें क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी कम करने की ज़रूरत है, इसको आइसोलेशन करने की ज़रूरत है, वो है नहीं। गांव में भेजा जाता है बंदा, उसको कहा जाता है वो सबसे मिल रहा है, आए रोज़ ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। हम यहाँ जो टेस्ट किए जाते हैं आपके दुकान के सामने, तो किस तरीके से आप देखते हैं जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो कहाँ जाते हैं, क्या उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटीन में रखा जाता है, या किस तरीके से उनको कहा जाता है कि आप घर में आइसोलेट करें? जो यहाँ पर टेस्ट होते हैं आए रोज़ जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें यही कहा जाता है आप जल्दी से घर निकलिए। वो यहाँ से निकलते भी 100 आदमी से मिल के अपनी फैमिली में पहुँचते हैं, उससे आए रोज़ केस बढ़ते जाते हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, तहसीलदार मंडी से अपील करते हैं, कम से कम जो पॉजिटिव आता है उसको कहीं ना कहीं पे शिफ्ट किया जाए, मेडिसिन दी जाए, जब तक वो नेगेटिव होगा उसको उसके बाद अब आए गाँव भेजा जाए। ये रिक्वेस्ट है हमारी मंडी तहसीलदार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे पीछे आप टेंट देख सकते हैं, ये महकमा हेल्थ की जानिब से लगाया गया है, और इसी टेंट के अंदर जो है यहाँ पे आए हुए लोगों का कोविड टेस्ट किया जाता है, और जब वो लोग पॉजिटिव आते हैं तो यहाँ के दुकानदारों का, यहाँ के आम लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट को जहाँ उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जहाँ गवर्नमेंट को उनको अगर होम आइसोलेट भी करना था तो इस तरीके से करना था ताकि वो कोविड 19 के मजीद फैलाव को जो है वो रोक सके, लेकिन देखने में ये मिल रहा है कि कोविड 19 से जो मुतासिर पाया जाता है, जो कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट आता है उसे घर भेजा जाता है, और इसमें कोई पता नहीं चलता है कि वो पेशेंट घर पहुंच के आइसोलेट हुआ भी है या नहीं हुआ है। जिस तरीके से हमने बात की जहांगीर अहमद नामी एक शख्स से, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की जानिब से जो टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं उसके बाद जो लोग पॉजिटिव आते हैं उन लोगों को प्रॉपर आइसोलेशन की कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की जानिब से नहीं दी गई है। तो ये एक बहुत ही बारीक नुकता है जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोविड 19 के फैलाव को रोकना है तो आइसोलेशन की ज़रूरत जो है वो सही तरीके से है, ताकि वो लोग जो जिन्हें आइसोलेट किया जाता है वो हकीकी तौर पर आइसोलेट रहें और अपने घरों में रहें ताकि कोविड 19 का मजीद फैलाव ना हो। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो अगर वो कुछ और लोगों से मिलते हैं तो उससे ये हो जाता है कि कोविड 19 से जो एक शख्स मुतासिर होता है उससे सैकड़ों और शख्स मुतासिर होते हैं, और ये डाटा रोज बर रोज जो है वो बढ़ता है।
डाटा ही सिर्फ बढ़ाना नहीं है बल्कि रिकवरीज भी करनी है, और रिकवरीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ठोस कदम उठाए। जो पॉजिटिव लोग आते हैं, जो आरटीपीसीआर में भी आते हैं, जो रैपिड एक्शन टेस्ट में भी आते हैं, उनको इस तरीके से आइसोलेट किया जाना चाहिए ताकि कोविड-19 के मजीद फैलाव को रोका जा सके। आप देखते रहें पुंछ टाइम्स, मैं आपका मेज़बान वसीम हैदरी।